हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरे मटर का इतना ज्यादा टेस्टी नाश्ता जो आपने ना कभी खाया होगा ना कभी देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और इस समय चल रहा है मटर का सीजन, क्योंकि जाड़ों में मिलती है हरी हरी सी मटर, तो क्यों ना इसका कुछ यूनिक बना के खाया जाए। पराठे और पूड़ी वगैरह तो हो गई है कॉमन, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नया नाश्ता। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना, जो टिप और ट्रिक दूंगी उसे आप जरूर फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा होगा। तो इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम मटर के दाने, यानी मटर को मैंने अच्छे से छील कर नाप लिया था, तो ये एक कटोरी थी और वेट में ये 300 ग्राम है। अगर आपके मटर में कम दाने पड़ते तो आप 1 किलो मटर को छील लीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे। तो फ्रेंड, एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, जो सबसे छोटा वाला आता है उसी का इस्तेमाल करना है। अब इसमें हम अपने मटर के दाने डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने मटर के दाने डाल दिए हैं। और अब इसके बाद हम इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे 3, और फिर इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली बड़ी बड़ी है, अगर आपकी छोटी हो तो आप 4 डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तीखा इस समय जाड़े में मन करता है खाने का और इस समय अच्छा भी लगता है तो बना लेना चाहिए, तो इसलिए हमने डाल दिया है। अगर आपकी ज्यादा तीखी हो तो आप 2 ही डालिएगा, मेरी ज्यादा तीखी नहीं थी इसीलिए मैंने इसमें 2 बड़ी बड़ी डाली है, अगर आपकी तीखी हो तो आप 1 ही डाल लीजिएगा। अब इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज डालेंगे, वो है हमारा नमक। नमक को हम कैसे मिस कर सकते हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो मेरा फ्रेंड है हमारा अदरक, तो अदरक को हमने अच्छे से इस तरह से ऊपर की स्किन को निकाल लिया, वॉश कर लिया है। अब हम 1.5 इंच का अदरक डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने डाल दिया है। अब बिना पानी डाले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे हमें दरदरा पीस लेना है, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने पीस लिया है, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, और इस तरह से देखिए हमारी मटर आराम से पिस जाती है, क्योंकि इसमें काफी नमी पहले से ही होती है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डन हो चुका है। और इसमें एक लहसुन को साबुत ही रखा है मैंने, क्योंकि मैंने इसको अभी ऊपर से डाला था। अब चलिए हम आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक पैन ले लिया है। पैन आप जो भी इस्तेमाल कीजिए वो हैवी वेट होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक ऑयल, और ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे, तब तक का वेट करेंगे। तो फ्रेंड जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा हमें फटाफट इसके अंदर जीरा डालना है, 1 चम्मच जीरा अच्छे से इस तरह से मसलते हुए डालेंगे, इससे जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और सारी जीरे को हम अच्छे से तड़कने के बाद अब हम इसमें अपनी मटर को डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर हमको इसकी भुनाई करनी है, और मटर का सारा पानी हमें सुखाना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका नाश्ता 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है, नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, तो अब इसकी हम भुनाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट ही भूनना है हमें इसे, और गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। तो फ्रेंड सारा मटर का पानी सूख चुका है और मटर इस तरह से ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो मटर में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमारा पैन छोड़ने लगा है और मटर हमारी अच्छे से सूख गई है, सारा मॉइस्चर इसका खत्म हो चुका है। अगर आपका मॉइस्चर नहीं खत्म हो रहा है तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। तो अब इसे हम ठंडा कर लेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड मटर हमारी इतनी ठंडी हो गई कि हम इसे छू पाएंगे, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है, इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे बड़े साइज के। तो इसमें हमने मटर को इस तरह से डाल देना है, यानी जो हमने सुखाया है, और अब हम इसे थोड़ा सा और ठंडा करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा गर्म लग रहा है ये। तो फ्रेंड इस तरह से हल्का सा ठंडा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, हमने हरा भी डाला है तो आपको बैलेंस के साथ डालना होगा, अगर आप ज्यादा डाल देंगे लाल मिर्च तो तीखा हो जाएगा। 1/4 चम्मच हींग, हींग मिश्रित कीजिएगा। 1/4 चम्मच मोटी वाली सौंफ, 1 चम्मच भरकर चाट मसाला, बहुत ही बढ़िया टेस्टी फ्लेवर लेके आएगा चाट मसाला, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जाएगी, 1 बड़ा चम्मच क्रीम का डालेंगे। क्रीम को अच्छे से फेंट लीजिए, और वो हम डालने से जो इसका टेस्ट होगा वो अच्छा होने के साथ साथ नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, और इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से निखर कर सामने आ जाए। तो चलिए अब इसे हम रेस्ट देते हैं और फिर इसके बाद हम मिलेंगे।
तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे पत्ता गोभी जो हमारा 1 कप है। आप इसमें कोई और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं डाली वही आप डालिए, आपके पास जो वेजिटेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे गाजर जो हमारी मोटी मोटी चॉप है, और इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास गोभी हो तो आप गोभी डाल सकते हैं, इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, टमाटर मत डालिएगा क्योंकि टमाटर जूसी होता है। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक लिक्विड सा घोल बनाएंगे। तो 1 कप पहले पानी डालेंगे और पहले इसे अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। तो 1 कप पानी डालकर हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है, और अब इसमें हम 1 कप पानी और डालेंगे और इस तरह से इसे पतला सा घोल बना लेंगे। और अब इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि सारी चीजें हमारी मिल जाए, फिर आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, सारी चीजें अच्छे से मिल गई हैं और इस तरह से हमारा जो बैटर था वो हल्का सा थिक हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच चावल का आटा, छोटे वाले चम्मच है, अगर आपका बड़ा वाला चम्मच है आप 2 ही चम्मच डालिएगा। और चावल के आटे डालने से ये क्रिस्पी बनेगा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, वो आपको ज़रूर डालनी है, तो अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। तो जितना हमने चावल का आटा डाला था उतना ही हम इसमें डालेंगे सूजी, बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप मिक्सी जार में डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो चलिए बारीक वाली सूजी डाल देते हैं 4 चम्मच। तो फ्रेंड 4 चम्मच इसमें बारीक वाली सूजी डाल देंगे। देखिए ये बारीक वाली है, आपको दिखा देते हैं करीब से, ये देखिए। अगर आपकी मोटी वाली हो तो आप मिक्सी जार में इसको बारीक कर लीजिएगा। तो सूजी डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और सूजी को हम फूलने का टाइम देंगे। तो अब इसे हम 2 मिनट का रेस्ट देंगे, 2 मिनट में ही हमारी बारीक वाली सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अगर आपकी मोटी वाली है तो आपको 5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। तो 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, देख लीजिए ये थिक हो चुका है हल्का सा और सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, तो अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो हमारा ये इनो है। और इसे हम इस तरह से डाल देंगे, आधा डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। और अब इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और ये फटाफट एक्टिवेट हो जाता है। अब इसे हम इस तरह से मिला लेंगे, इससे हमारा जो नाश्ता है वो जालीदार बनेगा। और इस तरह से हमने मिला दिया है, अब चलिए आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं। और इसे ज़्यादा नहीं मिलाना है, 1 से 2 बार इस तरह से मिलाना है। और इसको डालने के बाद आपको वेट नहीं करना है। अब चलते हैं गैस की तरफ और बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और मैंने रखा है एक पैन भी, आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, वो हैवी वेट होना चाहिए, आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक तेल, तेल को गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही हमारा गर्म होगा हम इसमें व्हाइट तेल डालेंगे 1 चम्मच तक, इससे हमारा नाश्ता देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और जैसे ही तड़कना शुरू होगा हम अपना बैटर को लास्ट बार इस तरह से चला लेंगे और इसे हम पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। और अब इसे हम पकने देंगे लमसम 7 से 8 मिनट, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, कवर भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कवर करेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगा। और अब इसे हम 3-4 मिनट बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे ये अच्छे से कुक हो चुका है और इस तरह से देखिए ये छोड़ने लगा है। तो ये डन हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूंगी और इसकी प्लेटिंग करूंगी। तो इस तरह से ये कुक हो जाता है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। हरे मटर का ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है, देखिए बाहर से कितना ज्यादा क्रिस्पी लग रहा है, अंदर से सॉफ्ट है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है। और आप इसे दोनों साइड से भी सेक सकते हैं, लेकिन एक साइड से जब सेकेंगे तो ये थोड़ा सा जूसी और बढ़िया रहेगा। और इस तरह से कट करके आप इसे एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और इसमें देखिए तिल जो हमने डाला था वो कितने अच्छे से कुक हो गया है और बिल्कुल अच्छे से हमारे रेडी हो चुका है। और आप चाहें तो इसे दूसरे साइड से भी और क्रिस्पी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे साइड से क्रिस्पी करेंगे तो इसकी नमी चली जाएगी। अगर आप इसे जूसी खाना चाहते हैं इस तरह से, तो देखिए कितना फ्लफी और कितना बढ़िया बना है। तो मैं इसे एंजॉय करने वाली हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, अपने को खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।